फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको EDF के बारे में बताने वाला हूँ, यानी इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन। RC ब्लेन बनाने के लिए हम जो कन्वेंशनल BLDC मोटर्स और प्रोपेलर्स यूज करते हैं, ये उसका एक एडवांस्ड वर्जन है, थोड़ा सा मतलब वन स्टेप अहेड। जैसा आपने बड़े बड़े जेट इंजिन में देखा होगा, आपको बहुत सारे ब्लेड्स के इंजिन मिल जाते हैं, सिमिलरली EDF भी वैसा ही होता है। यहाँ पर आज के वीडियो के लिए मैंने जो EDF जेट यूज किया है उसमें है टोटल 12 ब्लेड्स, यानी 12 ब्लेड का EDF है। ये 70 mm EDF है। 70 mm यानी इसका जो डायमीटर है वो होता है 70 mm, यानी 7 cm का। EDF कंसीडर किए जाते हैं थोड़े से एफिशिएंट, ये जो हवा है यानी जो थ्रस्ट है उसे एफिशिएंटली डिस्बर्स करते हैं इसके बैक साइड से। इनका शेप थोड़ा सा एरोडायनामिक होता है, तो एयर सक्शन के समय में भी एक एरोडायनामिक फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी, फ्लाइट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाकी जो इसका ऑपरेशन है वो एज सिमिलर टू BLDC मोटर है, क्योंकि इसके अंदर भी यूज होती है BLDC मोटर्स। लेकिन EDF जेट दो टाइप्स के होते हैं, एक इन रनर और एक आउट रनर। तो इन रनर यानी मोटर के अंदर का जो शाफ्ट है वो घूमता है, आउट रनर यानी मोटर के आउटर जो बॉडी है वो घूमती है। तो यहाँ पर इस केस में दिस इज आउट रनर। अगर मैं EDF की टेक्निकलिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो EDF है वो है 2842 3400 kV का, जो 4S तक सपोर्ट करता है। इस 70 mm EDF का पर्टिकुलरली जो मैंने हाथ में पकड़ा है वो आपको मैक्सिमम 2.5 kg का थ्रस्ट देता है दोस्तों। सो 2.5 kg थ्रस्ट इज टू मच। इतना पावरफुल थ्रस्ट हमें BLDC मोटर्स में नहीं मिलता जो हम नॉर्मल प्लेन बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे 2200 kV मोटर हो गई या 2800 kV मोटर हो गई, वो इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। 2.5 kg थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें मोटर जो है वो कम केवी का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल साइज होती है हमारे इंजन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एक छोटे प्लेन के लिए इतने बड़े प्रोपेलर साइज के साथ उड़ाना तो मतलब इम्पॉसिबल है। थ्रस्ट अगर ज्यादा चाहिए और साइज कम चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, साइज कम चाहिए, एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो हमें शिफ्ट करना होता है EDF पर, यानी इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन पर। जैसे नॉर्मल BLDC मोटर्स में होती है वैसे EDF में भी 3 वायर्स होती है। मैंने इसे मार्क करके रखा है A, B और C, वो इसलिए क्योंकि इस EDF को चलाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर 80 एम्प का रेडी टू स्काई का 2S 6S सपोर्टेबल ESC। ये इसमें BEC भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 80 एम्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसका जो करंट कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 50-60 एम्स। तो इसके मैनुअल पर आपको इसका करंट कंजम्पशन दिख जाएगा, स्क्रीन पर भी इसका करंट कंजम्पशन दिया हुआ है। तो उस हिसाब से टू बी ऑन द सेफर साइड, मोटर ना जले, ESC ना जले, इसके लिए हमें ज़्यादा एम्पेयर की ESC खरीदनी होती है, सो मैंने 80 एम का ESC खरीद कर रखा है। इसमें 3 वायर्स हैं, तीनों को नेम किया है A, B और C, और मोटर की डायरेक्शन यानी थ्रस्ट पीछे साइड से आनी चाहिए, हवा पीछे साइड से आनी चाहिए, उस हिसाब से मैंने इनके वायर पर A, B और C मार्क करके रखा है। सर्वो टेस्टर है, इस पर आप BLDC मोटर भी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर टोटल 7 चैनल्स हैं। और दोस्तों, खास बात इसमें यह है, मैंने एक मॉडिफिकेशन ये किया है कि इसका जो रोटरी नॉब है उसे निकालकर मैंने स्लाइडिंग स्विच यहाँ पर लगा दिया है, जो मैंने ड्रोन के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, और वो प्रोजेक्ट भी जल्दी आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ, आने वाला है उसका वीडियो। तो ये थोड़ा सा मुझे ईजी लगा कंट्रोल करने के लिए, और मैंने इसका जो बॉक्स है वो भी मैन्युअली बनाया, जिसमें ग्रीन येलो और रेड कलर का ऐसे मार्क लगाया है। उसके बाद आती है बारी बैटरी की, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 6200 mAh की 40C लाइपो बैटरी, जो आपको करंट इतना प्रोवाइड करती है, विच इज मोर देन सफिशियंट। यहाँ पर मैं 4 सेल बैटरी भी यूज कर सकता हूँ थोड़े कम mAh की, बट सी रेटिंग शुड बी कंसिडर्ड, बिकॉज सी रेटिंग से ही वो बैटरी कितना करंट डिस्बर्स कर पाएगी वो डिसाइड होता है। उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आपको ऊपर मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि सी रेटिंग आप में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं चेक करना, और उस केस में फिर आपका ESC जल जाता है, मोटर जल जाती है, एंड देन यू से कि हमने सही कॉम्बिनेशन यूज किया था फिर भी जल गया, बट ऐसा नहीं होता। बैटरी शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट मच करंट। अगर आपका ESC 30 mA का है और बैटरी सिर्फ 20 mA करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली तो बैटरी खराब होगी, नहीं तो ESC खराब हो जाएगी। तो मैं आपको अभी फिलहाल एक छोटा सा टेस्ट करके बताता हूँ, फिर हम इसकी करते हैं आउटडोर टेस्ट। थ्रस्ट टेस्ट का वीडियो भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, क्योंकि इसका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। ये EDF जेट वही है जो मैंने आफ्टर बर्नर में यूज किया था, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी आप देख सकते हो, कैसे आप एक आफ्टर बर्नर इफेक्ट वाला EDF जेट इंजन बना सकते हो। दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर जेट इंजन, बट एक आफ्टर बर्नर इफेक्ट आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो एज अ बिगिनर मैं तो बोलूंगा ये 70 mm EDF जेट इज सुटेबल फॉर यू। अगर आपको थोड़ा लो बजट वाला चाहिए तो आप 60 mm के लिए जा सकते हो, 50 mm के लिए जा सकते हो। इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 2500 रुपये। मैंने बैंगलोर से इसे खरीदा था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राइस थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। Thank you.
और इस EDF के बारे में कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हो दोस्तों। और EDF जेट भी मैं आगे बनाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा भी कि कैसे हमें एक EDF RC प्लेन बनाना है और कैसे उसे उड़ाना है, और RC प्लेन कैसे उड़ाना है उस पर भी मैं ट्राई करूंगा वीडियो लाने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी RC हॉबीज में इंटरेस्ट है, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।